निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन की तारीखें की घोषणा की है और जो खंडवा लोकसभा की जो सीट है उस पर जो चुनाव होना है उसके संबंध में गजट नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को जारी होगा और तत्पश्चात नॉमिनेशंस जो हैं वो आखिरी तारीख जो है वो 8 अक्टूबर रहेगी और काउंटिंग की जो पोलिंग की जो तारीख है वो 30 अक्टूबर है और जो काउंटिंग की तारीख है वो 2 नवंबर है। तो इसके अनुसार जो समस्त तैयारियां हैं वो हमने शुरुआत उनकी कर दी है और जैसा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश होंगे उसके संबंध में आगामी सभी कार्रवाइयां की जाएंगी। कोरोना के बाद में जो 1000 के ऊपर जो मतदान केंद्र बढ़ाने की जो निर्वाचन आयोग के निर्देश थे उसके आधार पर 190 करीब मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। मतदान केंद्रों की पूरी सूची जो है वो समस्त पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेस के साथ भी शेयर की जाएगी और अब से हमने जितने भी मतदान केंद्र हैं उनकी सुचारू रूप से व्यवस्थाएँ देखना, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना और मास्क और ग्लव्स पहनना और जो भी निर्देश आते भी जो निर्देश आए थे उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए हमको आगामी सभी कार्रवाइयाँ पूरी करनी है। कहा कि 1000 लोगों के वोट डालने के हिसाब से हमने बनाया है और जैसा कि निर्वाचन आयोग से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उन निर्देशों के हिसाब से यदि ऑक्सिलरी मतदान केंद्र बनाया जाना होगा या कहीं पर कहीं जगह उपलब्ध नहीं है या कोई दूरी ज्यादा है तो उसके हिसाब से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उनके आधार पर आगामी कार्रवाई कर ली जाएगी। अभी हमको उपलब्ध हैं और जो अन्य ईवीएम अभी FLC जो है वह FLC भी हमारी पूरी हो चुकी है और ईवीएम के संबंध में खरगोन कलेक्टर और बुरहानपुर कलेक्टर और खंडवा कलेक्टर से जैसे निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जानकारी हमने प्रेषित कर दी है और जो FLC में जो EVM खराब पाई गई उनको हटा के जितनी बचेंगी उसके आधार पर जो नवीन मतदान केंद्र और जो रिजर्व रखना है उसके हिसाब से और अन्य अगर जरूरत पड़ेगी तो निर्वाचन आयोग द्वारा हमको जिनकी लग रही है उनको टीका अनिवार्य है। जैसा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि डबल वैक्सीनेशन जो समस्त स्टाफ लग रहा है उसका कराया जाना चाहिए तो सभी विभागों से ये प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है कि उनके समस्त जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको उनका टीकाकरण जो है वो डबल डोज लग चुका है। ऐसा प्रमाण पत्र पहले भी उनसे लिया गया है और पुनः फिर हम उनसे एक बार प्रमाण पत्र ले रहे हैं कि जब आचार संहिता लगती है तो उनको हटाना जो शासकीय संपत्तियों पे या पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर की परिधि के अंदर जो नियम है जिसके अंतर्गत यदि कोई भी पार्टी का कोई झंडा बैनर या कोई कार्यालय या अन्य कोई प्रचार प्रसार की सामग्री लगी हुई है तो उसको विधिवत हटाए जाने की कार्रवाई जो है वो यार हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।